नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आज आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। आज मैं कुछ प्राचीनतम रहस्य आपके सामने बताने जा रहा हूँ। हमारे पूर्वजों ने ऑलरेडी ये चार रहस्यों को पहले ही बता चुके थे जो कहीं ना कहीं लुप्त हो चुका था। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। क्या है? जब भी आप काम करते हैं, पहला सूत्र क्या कहता है कि जब भी काम करते हैं तो हमेशा माइंड में बर्फ, ठंडा, शीतल होना चाहिए। आपका माइंड हमेशा शीतल रहना चाहिए, आपका दिमाग ठंडा रहना चाहिए। आज की भाषा में आपके दिमाग में बर्फ रखिए। जब भी काम कर रहे हो, जो भी काम की शुरुआत कर रहे हैं, आपके माइंड में बर्फ रख के काम कीजिएगा। उसमें कोई उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, शांत होना चाहिए। दूसरा, मुंह में हमेशा शक्कर रखिएगा। मुंह में हमेशा शक्कर रखिएगा मतलब हमेशा मीठा बोलिएगा जिससे भी मिलेंगे। याद रखिए, जो व्यक्ति आपसे मिलने आता है वो आपसे ज्यादा परेशान होता है, वो आपसे ज्यादा तकलीफ में होता है। लेकिन उसके चेहरे को देखकर कभी ये मत समझना, कभी मत समझना, वो आपसे ज्यादा तकलीफ में होता है। कभी आप अनुमान मत लगाना कि वो आपसे ज्यादा प्रसन्न है या आपको तकलीफ देने के लिए आया है। वो किसी न किसी संकट में है। इसलिए जब भी आप किसी से भी बात करते हैं, किसी से भी बात करते हैं कि भूल के भी शक्कर को मत उतारना, शक्कर को हमेशा मुंह में रख के बात करना। कहने का मतलब है हमेशा मीठा बात करना, दिल में हमेशा आग होनी चाहिए। आप सफलता हासिल करना चाहते हो ना, तो आग होनी चाहिए। लोगों की सेवा करने में एक आग होनी चाहिए, मोटिवेशन की आग होनी चाहिए। क्योंकि आपके अंदर जो सहज मन है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो दूसरा मन है जो हमेशा आपका तुलना करता रहता है, वो मन हमेशा आपको रोकेगा। तो उसको आग में जला दो, ख़त्म कर दो उसको, उसको कुछ बोलने ही मत दो। उसके बोलने के पहले काम की शुरुआत कर दो। आग लगी होनी चाहिए आपके काम में, आग लगी होनी चाहिए। आप जो हासिल करना चाहते हो, सफलता हासिल करना चाहते हो, वो एक आग लगी होनी चाहिए और आग के हिसाब से काम कीजिए। और पैरों में हमेशा व्हील होना चाहिए। इसका मतलब है, पैर में व्हील का मतलब है हमेशा आप मूव करते रहना चाहिए। आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं, आप एजुकेशन के इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट में सफल होना चाहते हैं, आप जो भी काम करना चाहते हो, हमेशा पैरों में व्हील होना चाहिए। जहाँ आदमी रुक जाता है वहाँ वो थक जाता है, जहाँ थक जाता है वहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है। हमारे मित्र हैं प्रशांत मोरे सर, जब वो यहाँ से जब ओमान जा रहे थे तो मैंने बोला सर मुझे कुछ बातें लिख के आपका सिग्नेचर चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी एक डायरी में, जो आज भी मेरे डायरी में बात लिखी हुई है कि बहते हुए पानी में कभी काई नहीं जमता, बहते हुए पानी में कभी काई नहीं जमता। तो हमेशा आपको बहते रहना है, बहते हुए पानी हमेशा शांत रहता है, शुद्ध रहता है, सफा रहता है, उसको लोग पी सकते हैं। तो आपके पैरों में हमेशा चक्का लगा होना चाहिए, चक्का लगा होना चाहिए। बस यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। काम है या नहीं है बस चलते रहना चाहिए। जहाँ इंसान रुक जाता है वहाँ से पैर वो दिशाहीन हो जाता है। याद रखिए, भटके हुए वो हैं, भटके हुए वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, भटके हुए वो हैं जो घर से निकले नहीं। आपको क्या करना है, आपको घर से निकलना है और घूमते ही रहना है। क्योंकि भटकने वाला एक दिन ना एक दिन अपनी मंजिल को पा ही लेता है। तो ये चार चीज़ सफलता का बहुत ज़बरदस्त सिद्धांत है जो मैंने आपको बताया कि हमेशा सर में बर्फ रखिएगा, जुबान पर शक्कर रखिएगा, दिल में आग होनी चाहिए। आग सफलता के लिए, आग भूख होनी चाहिए और पैरों में हमेशा चक्का लगा होना चाहिए। तो ये चार बातें आई होप आपने समझ लिया होगा। सफलता के चार सूत्र आप समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता यहाँ पर आपसे विदा लेता हूँ। फिर मैं अगले किसी एपिसोड में आपके सामने आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।